से समक्ष। हमारे सामने यह जगत दुनिया, यह धरती कितनी पुरानी है, कब इस सृष्टि की शुरुआत हुई है। हमेशा से हमारी शुरुआत के प्रश्नों को आदिकाल से धर्म के माध्यम से देने की कोशिश हुई है। हिंदू धर्म में वेदों को ईश्वर का शब्द मानकर इसे जानने की कोशिश की गई है। यहूदियों के पवित्र धर्म ग्रंथ तनक, जिसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है, और ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल और इस्लाम के धर्म ग्रंथ कुरान में भी इन्हें गॉड, खुदा या इन्हें परमेश्वर का शब्द मान बताने की कोशिश की गई है। आखिर हमारी यह पृथ्वी या सृष्टि जिसे हम देखते हैं वह कितनी पुरानी है, और तथागत बुद्ध क्या कहते थे इस जगत के बारे में, और हमारा आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि हमारी धरती कितनी पुरानी है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, किस धर्म ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया और किस धर्म ने गलत। इन्हीं सभी बातों को प्रमाणों के साथ हम समझेंगे कि कितनी पुरानी है हमारी धरती। सबसे पहले हम इस जगत के प्रश्नों को बुद्ध के नजरिए से देखते हैं। इस जगत के प्रश्नों के संदर्भ में जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को बुद्ध से किया जाता है तो वे बड़े अजीब और अनोखी प्रतिक्रिया करते थे, वे मौन रह जाया करते थे। बुद्ध का जगत के प्रति मौन या चुप रहने का व्यवहार लोगों को बड़े अचंभे में डाल देता था कि जहां पर गौतम बुद्ध के समय बाकी धर्म बड़ा बढ़ चढ़कर जगत के प्रश्नों का उत्तर देते थे, वहीं पर बुद्ध मौन रह जाया करते थे। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों को देखते हैं, तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। बौद्ध धर्म ग्रंथ संयुक्त निकाय के अव्याकृत संयुक्त में कुछ प्रश्न बुद्ध से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न उसे पूछा जाता है कि क्या यह लोक शाश्वत है, जिसका अर्थ है कि क्या यह लोक यानी जगत सदा से ऐसा ही है या यह नित्य है। यहाँ पे यह प्रश्न समय के संदर्भ में पूछा गया है। फिर उनसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या यह लोक अशाश्वत है, जिसका अर्थ है कि क्या यह दुनिया नष्ट हो जाने वाली है या यह समाप्त भी हो सकती है। इस प्रश्न का भी संदर्भ हम समय के सापेक्ष में लगा सकते हैं। फिर बुद्ध से तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या लोक अंतवान है, यानी इस दुनिया का कहीं पर अंत है। और चौथा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या यह लोक अनंत है। यहाँ पर तीसरा और चौथा प्रश्न दोनों दूरी या स्थान के संदर्भ में पूछा गया है कि इस लोक का कहीं अंत है या ये अनंत है। तो यहाँ पर संयुक्त निकाय में बुद्ध से ये चार प्रश्न स्थान व समय के संदर्भ में पूछा जाता है। इसके अलावा भी अन्य छह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर इन 10 प्रश्नों में बुद्ध की प्रतिक्रिया क्या होती है, अब हम उसे देखते हैं। जहां पर इस लोक के प्रश्नों पर अन्य धर्म बढ़ चढ़कर इन प्रश्नों का जवाब देते थे, वहीं पर बुद्ध इन प्रश्नों को अव्याकृत बताते हैं और वे इन प्रश्नों पर मौन रह जाया करते थे। अब वास्तव में आधुनिक विज्ञान ने हमारी धरती के उम्र का आकलन लगाया है और अपनी सटीकता के साथ आधुनिक विज्ञान ने इस धरती की उम्र 4,54,30,00,000 वर्ष की मानी है, और इसमें 1-2% का आप अंतर समझ सकते हैं। अब विज्ञान ने इस समय के काल को जानने के लिए कई प्रयोग और प्रमाण दिए हैं, जरा हम उन्हें भी देख लेते हैं।
सबसे पहला प्रमाण विज्ञान इस धरती की उम्र के लिए देता है कि धरती या पृथ्वी की बनावट या भूविज्ञान के सहारे हमें धरती की उम्र का पता चलता है। हमारी धरती विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बनी है और इन विभिन्न प्रकार के चट्टानों के विविध अध्ययन से हमें इसके पुराने होने की जानकारी मिलती है। तो धरती पर कई परतदार चट्टानों के परतों से भी हमें इसके कालखंड के बारे में जानकारी पता चलती है। और फिर दूसरा प्रमाण विज्ञान की तरफ से इसे जानने के लिए दिया जाता है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहा जाता है या धरती की विवर्तनीय परतें। जैसा कि धरती की धरातल को देखकर हमें यह जानकारी मिलती है कि यह कई प्रकार की टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है और लगातार यह खिसक रही है और इन्हीं वजहों से हिमालय जैसे विशाल पर्वत अपने अस्तित्व में आए। तो इन टेक्टोनिक प्लेटों से हमें धरती की उम्र का पता चलता है। तीसरा प्रमाण जो विज्ञान देता है वह जीवाश्म विज्ञान या पैलियोनोटोलॉजी। यह जीवाश्म विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं और पौधों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, जिससे इन जीवाश्मों के उनके काल व उस जीव के बारे में पता चलता है। उसके बाद इस काल की और सटीकता के लिए विज्ञान रेडियोमेट्रिक डेटिंग का सहारा लेता है। इस तकनीक के सहारे चट्टानों या कार्बन जैसे पदार्थों के समय के आकलन के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसके अंदर स्वाभाविक रूप से समय के अनुसार क्षय होने की प्रक्रिया होती है और इसी के अनुसार धरती की उम्र का पता लगाया जाता है। इसमें भी कुछ प्रचलित विधियां हैं, जिसमें यूरेनियम लेड डेटिंग विधि, दूसरा नियोडाइमियम डेटिंग विधि, तीसरा पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि, यूरेनियम थोरियम डेटिंग विधि और रेडियो कार्बन डेटिंग विधि जो काफी प्रचलित है, जो कार्बन 14 के आधार पर किया जाता है। और इसके अलावा विखंडन ट्रैक डेटिंग विधि और क्लोरीन 36 डेटिंग विधि काफी प्रचलन में है। इसके अलावा और भी कई वैज्ञानिक विधियां हैं जिनसे धरती की उम्र का पता लगाया जा सकता है। तो अभी तक इस धरती की उम्र 4,54,30,00,000 वर्ष तक आकी गई है और इसमें 1-2% का मात्र वेरिएशन या अंतर हो सकता है, या हम इसे 4.54 अरब वर्ष, लगभग 4.5 अरब वर्ष हमारी इस धरती को बने हो गए हैं। अब धरती या सृष्टि की उम्र में जो दावे धर्म पुस्तकों में किए गए हैं, अब उसे भी देखते हैं। ईसाई और यहूदियों के धर्म ग्रंथ हिब्रू बाइबल में इस सृष्टि की रचना का जिक्र मिलता है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की शुरुआत इस जगत के उत्पत्ति के प्रश्नों से ही होती है। बाइबल के उत्पत्ति खंड के अनुसार पहले दिन दिन और रात, दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन सूखी धरती और पेड़ पौधे, चौथे दिन सूरज चांद और तारे, पांचवें दिन मछलियां और पक्षी, छठवें दिन भूमि के जीव जंतु और मनुष्यों को ईश्वर ने बनाया। और फिर बाइबल में सातवें दिन के बारे में कहा गया है कि इस तरह पृथ्वी आकाश और उसकी प्रत्येक वस्तु की रचना पूरी हुई। परमेश्वर ने अपने किए जा रहे काम को पूरा कर लिया, अतः सातवें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया। परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीषित किया और उसे पवित्र बना दिया। उत्पत्ति, पुराना नियम, बाइबल। तो इस प्रकार ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने 6 दिनों में बनाया और इसके बाद परमेश्वर ने एडम को मिट्टी से बनाया और उसकी पसली से
हव्वा को मनाया और दुनिया आबाद हुई। बाइबल में एडम के जीवन से जुड़ी उनकी वंशावलियों का वर्णन है और वंशावलियों से जीसस क्राइस्ट के जन्म तक का भी जिक्र देखा जाता है और उस कालखंड को बाइबल के अनुसार 4000 सालों तक का माना गया है और आज जीसस क्राइस्ट के जन्म को लगभग 2020 वर्ष बीत चुके हैं। मतलब ईसाइयों के धर्म पुस्तक बाइबल के अनुसार यह जगत या सृष्टि 6020 वर्ष पुरानी है और इन्हीं बातों का अनुकरण हमें इस्लाम के धर्म ग्रंथ कुरान में भी मिलता है। कुरान धर्म पुस्तक के चैप्टर नंबर 7:54 के अनुसार, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन 6 दिन में बनाए और फिर करार फरमाया अर्श पर रात को दिन पर ढांक देता है। कुरान के 10वें चैप्टर के 3री आयत के अनुसार, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा किया 6 दिनों में आसमानों को और जमीन को, फिर वह अर्श पर कायम हुआ। और इन्हीं बातों का जिक्र आगे भी हमें 32वीं सूरा के 4थी आयत में भी मिलता है, अल्लाह जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को और जो उनके दरमियान है 6 दिन में, फिर उसने अर्श पर करार किया। तो इस तरीके से हमें इस्लाम की धर्म पुस्तक कुरान भी इस सृष्टि की रचना का वही कालखंड बताती है जो हिब्रू बाइबल और ईसाइयों द्वारा बताया गया है, यानी कि इस दुनिया को 6 दिनों में खुद ईश्वर ने बनाया। तो इस प्रकार कुरान धर्म ग्रंथ में भी कई आयतों में हमें इस 6 दिन में सृष्टि के निर्माण का वर्णन मिलता है और कुल मिलाकर हिब्रू बाइबल के समयकाल का ही समर्थन कुरान भी करती है। थोड़े बहुत अंतर से कई बार इसे 6500 वर्ष पुराना बताया गया है। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि इन धर्म ग्रंथों में लगभग 6000 वर्ष या 6500 वर्ष और विज्ञान द्वारा बताए गए 4,54,30,00,000 वर्ष, इनमें अंतर क्यों है? एक बार यह दुनिया 6000 वर्ष पुरानी है या 6500 वर्ष पुरानी है, इस अंतर को हम समझ सकते हैं, मगर विज्ञान ने जो आंकड़ा दिया है वह 4,54,30,00,000 वर्ष पूर्व बताया है। तो कैसे इतना बड़ा अंतर इन धर्म पुस्तकों और विज्ञान के नजरिए में आता है? अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि कौन सही है, धर्म ग्रंथ या विज्ञान? अगर विज्ञान सही है तो क्या ये धर्म ग्रंथ गलत हैं? आखिर धर्म ग्रंथों की गणना गलत कैसे हो गई? लगभग 17वीं शताब्दी तक चर्चों ने इसी 6000 वर्षों के कालखंड को माना और यह वही युग था जहां पर आधुनिक विज्ञान का उदय हो रहा था। फिर आयरलैंड के चर्चों के आर्क बिशप ने यह स्वीकार किया कि बाइबल में दिए गए कालखंड सही नहीं है, उनमें त्रुटि है, और फिर से बाइबल के वंशावलियों को संगठित किया गया और सृष्टि की या पृथ्वी का निर्माण 2,64,004 ईसा पूर्व था। या इसका मतलब ये है कि जीसस के पैदा होने के बाद के 2020 के वर्षों को जोड़ लें तो यह धरती या सृष्टि 2,66,024 वर्ष पुरानी थी। मगर फिर से ये 17वीं शताब्दी में आयरलैंड के चर्चों के द्वारा सुधारा गया आंकड़ा फिर से गलत साबित हुआ। वास्तव में हमारी धरती 4,54,30,00,000 वर्ष पुरानी है। और फिर इस्लाम धर्म में भी स्पष्टीकरण दिया गया, खुदा या ईश्वर का एक दिन 50,000 सालों का होता है। मगर एक बात हमें देखनी होगी कि कुरान की सभी आयतों में स्पष्टतः 6 दिन का जिक्र है, कहीं पर इस प्रकार की बात नहीं कही गई है कि उसका एक दिन 50,000 सालों का होता है। मगर अगर हम चलो मान भी लें कि खुदा या ईश्वर का एक दिन 50,000 वर्षों का होता है, तो 6 दिन और एक विश्राम का दिन
कुल 7 दिन और 50,000 वर्षों के हिसाब से ये कुल मिलाकर 350,000 वर्ष ही होंगे। तो भी तो बहुत बड़ा अंतर है कि कहां 350,000 वर्ष या जो विज्ञान के द्वारा बताया गया आंकड़ा है कि 4,54,30,00,000 वर्ष। ये जो आंकड़े फिलहाल धर्मों के सहारे समझाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की बातों का जिक्र 17वीं शताब्दी के पहले कभी नहीं हुआ। 17वीं शताब्दी तक यही माना गया था कि दुनिया 7 दिनों में बनी थी। यह तो जब से विज्ञान का युग आया तब इनमें फेर बदल करने की जरूरत पड़ी, और आज विज्ञान ने उत्तर बता दिया है, इसके बावजूद भी ये धर्म ग्रंथ आज भी सही उत्तर नहीं बता पा रहे हैं। इनकी हालत ठीक वैसी है कि कोई जैसे गणित की परीक्षा में जाने वाला विद्यार्थी को उत्तर बता दिया गया है कि उस प्रश्न का ये सही उत्तर है, इसके बावजूद भी वह गलत उत्तर लिखकर आता है। यही अवस्था हमारे धर्म के पुरोहितों की है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी गलती इन धर्म ग्रंथों से कैसे हो गई, और जब फिर इन धर्म ग्रंथों से इनका स्पष्टीकरण पूछा जाता है तो ये उत्तर को उलटने पुलटने का काम करते हैं। देखिए, इसे एक सामान्य घटना के रूप में जानना चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि हमारी धरती लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, क्योंकि हमारे पास आज के युग की जानकारी आधुनिक विज्ञान के लगातार प्रयासों से हमें यह आंकड़ा मिला है। ये धर्म ग्रंथ 8 से 1.5 हजार वर्षों से 3,500 वर्षों के मध्य लिखे गए। उनके पास आज के आधुनिक विज्ञान की जानकारी नहीं थी तो उन्हें जैसा लगा वैसा लिख दिया, इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। मगर सबसे बड़ी समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब हम धर्म ग्रंथों को ईश्वर का शब्द मानते हैं, और इसके भ्रमित होने का जरिया जो 7 दिनों की भूल यहूदियों के धर्म ग्रंथ हिब्रू बाइबल में हुई थी उसी को बाइबल ने दोहराया और फिर उसी को कुरान में दोहराया गया। देखिए, यह एक सामान्य घटना है। यह जटिल तब होता है जब हम इसे ईश्वर या खुदा या गॉड का शब्द मानते हैं। तो अपने आप में यह उदाहरण बताता है कि ये धर्म ग्रंथ इंसानों द्वारा लिखे गए हैं, और चूंकि इंसानों से भूल हो सकती है इसीलिए ये सब हुआ। और यह सत्य है, कई बार विज्ञान के नजरिए को चुनौती देने का भी प्रयास धर्म के द्वारा किया जाता है, और वे एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ और बोल डालते हैं। नतीजा वह सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। बाइबल की शुरुआत की ही लाइनों में आप देखो कि कहा जाता है कि पहले दिन ईश्वर ने दिन और रात बनाई, यानी उजाला और अंधकार बनाया, और चौथे दिन सूरज चांद और तारे बनाए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो पहले दिन वाला उजाला हुआ वो बिना सूरज के कैसे हुआ, क्योंकि सूरज तो चौथे दिन बना ना, तो जो पहला दिन था उसमें उजाला कहां से आया, क्योंकि तो धरती पर होने वाला उजाला सूर्य की वजह से होता है। तो पहले दिन तो सूर्य था ही नहीं, तो फिर यह उजाला कैसे हुआ। तो इस प्रकार के ढेर सारे तार्किक प्रश्न, इनमें ये चीजें उलझ कर ही रह जाती हैं। और अगर इन्हीं घटनाक्रमों को हम हिंदू धर्म के हिसाब से समझें तो यहां भी बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होती है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार इस सृष्टि की रचना के इतने ज्यादा उदाहरण दिए गए हैं कि जितने पुराण उतने इस सृष्टि के बनने के तरीके। नतीजा है कि ये आपस में ही इतने अंतर विरोधी हैं कि हम किस बात का समर्थन करें किस बात का विरोध करें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन यह सृष्टि या धरती कितनी पुरानी है, इसके आंकड़ों में बताए गए वेदों के अनुसार आर्य समाज द्वारा बताए गए आंकड़ों को समझ सकते हैं। इन आंकड़ों से हम कुछ स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अब वेदों के अनुसार किस तरीके से यह समझाने की कोशिश की गई है कि यह सृष्टि कितनी पुरानी है, जरा इसे देखते हैं। वेदों के अनुसार 4 युग होते हैं, जिसमें से सतयुग 17,28,000 वर्ष का माना जाता है, दूसरा त्रेता 12,00,000
96,000 वर्ष का माना जाता है। उसके बाद तीसरा युग द्वापर युग जिसे 8,64,000 वर्ष का माना जाता है, और फिर कलयुग जिसे 4,32,000 वर्ष का माना जाता है, और इन चारों युगों को मिलाकर चतुर्युग कहा जाता है, और एक चतुर्युग का काल 43,20,000 वर्षों का होता है, और फिर 71 चतुर्युगों का एक मन्वंतर होता है। इसके हिसाब से एक मन्वंतर में 30,67,20,000 वर्ष होते हैं, और अभी तक 6 मन्वंतर बीत चुके हैं, यानी कुल मिलाकर 1,84,03,20,000 वर्ष 6 मन्वंतरों के बीत चुके हैं, और ये सातवां मन्वंतर चल रहा है। सातवें मन्वंतर के 71 चतुर्युगियों में 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं, और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्षों का होता है जैसा हमने पहले देखा, तो कुल मिलाकर 27 चतुर्युग बीतने के बाद यह आंकड़ा 11,66,40,000 का आता है, और फिर 28वें चतुर्युगी में सतयुग द्वापर त्रेता बीत चुके हैं। सतयुग के 17,28,000 वर्ष, त्रेता के 12,96,000 वर्ष, द्वापर के 8,64,000 वर्ष, यानी 39,88,000 वर्ष बीत चुके हैं, और वर्तमान कलयुग के 5,121 वर्ष बीत चुके हैं, और अगर इन सभी आंकड़ों को अगर जोड़ें तो कुल मिलाकर 1,96,08,53,121 वर्ष वेदों के हिसाब से अभी तक बीत चुके हैं। तो यहां पर अगर इस आंकड़े को देखें, विज्ञान के अनुसार हमारे धरती की उम्र 4,54,30,00,000 वर्ष हो चुकी है। तो यहां पर देखें तो आर्य समाज द्वारा बताए गए आंकड़े काफी हद तक विज्ञान द्वारा बताए गए आंकड़ों से मेल खाते हैं। मगर फिर से यहां पर एक प्रश्न यह है कि जब वेदों को ईश्वर के शब्द कहे गए हैं तो यह अंतर काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि जो समय वेदों के अनुसार बताया गया है उसके मुकाबले विज्ञान द्वारा बताया गया समय दोगुना से भी अधिक, यानी 2.31 गुना है, और अगर ये अंतर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर ईश्वर के ये शब्द हैं तो इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो सकती है, ईश्वर के शब्द गलत कैसे हो सकते हैं कि वेदों के अनुसार इस सृष्टि की उम्र 1,96,08,53,121 वर्ष बताई गई है, और वहीं पे वास्तविक इस धरती की उम्र 4,54,30,00,000 वर्ष बताई गई है। यहाँ पे वेदों द्वारा बताए गए इन आंकड़ों में अगर हम देखें तो जिस तरह के आंकड़े का वर्णन ये किया जाता है, 17वीं शताब्दी के पहले हमें कहीं भी इस प्रकार के आंकड़ों का वर्णन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दिए गए विवरणों के संदर्भ में एक बात हमें जाननी होगी कि 18वीं शताब्दी में जब आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तब उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, और इस समय तक डार्विन के सिद्धांत आ चुके थे जिन्होंने पूरे यूरोप में ईसाई धर्मों को हिला कर रख दिया था, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक अंग्रेज से डार्विन के सिद्धांतों के बारे में गहरा विचार विमर्श हुआ, और तब उन्होंने इस धरती की उम्र का अंदाजा लगाया कि इस धरती की उम्र का वर्ष अरबों में है, और इसी की झलक हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी की गणितीय प्रक्रिया में भी मिलता है। देखिए, चाहे यहूदी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, इनके हिसाब से जो भी इस धरती की, इस सृष्टि की उम्र बताई गई है उनमें और आधुनिक विज्ञान द्वारा बताए गए समय में बहुत बड़ा अंतर है। और अगर ये प्रश्न इन धर्मों से पूछा जाए कि आखिर क्यों इतना बड़ा अंतर है, और फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि जो भी आप आंकड़े दे रहे हैं इस धरती की उम्र के, इसके लिए उनके पास में प्रमाण क्या है, तो धर्म ग्रंथ के पास में एक ही उत्तर है कि उनके धर्म ग्रंथ में कहा गया है
कि ये ईश्वर के शब्द हैं, इसलिए ये सत्य हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या किसी के कह देने से वह प्रमाण बन जाता है। अंत में ये धर्म थक हार कर विज्ञान के ऊपर ही प्रश्न उठाना शुरू करते हैं कि विज्ञान ही गलत है। अब इन धर्म ग्रंथों से प्रश्न यह है कि जिस समय का जिक्र आप कर रहे हैं उसके लिए आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है। किसी ने मन में जो आया कह दिया या लिख दिया, इससे उसको प्रमाण नहीं माना जा सकता है। और विज्ञान द्वारा दिए गए इतने प्रमाणों की प्रमाणिकता को आप प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। विज्ञान द्वारा दिए गए प्रमाणों के कारण ही धर्म ग्रंथों में लिखे गए समय गलत साबित हो रहे हैं और विज्ञान के सत्य को चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसके पास प्रत्यक्ष प्रमाणों की एक बड़ी श्रृंखला है और धर्म ग्रंथों के पास शब्द प्रमाण है और जिनकी कोई प्रमाणिकता नहीं हो सकती है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को एक सरल शब्दों में समझते हैं कि यह भ्रम इसके लिए उत्पन्न होता है कि हम धर्म ग्रंथों को ईश्वर का शब्द मान बैठे। ये धर्म ग्रंथ ईश्वर रचित नहीं है, बल्कि ये मानव रचित है और इंसानों से भूल हो सकती है, इसलिए वे धरती की उम्र का आकलन करने में असमर्थ रहे, क्योंकि उनके पास आज तक की ऐसी जानकारी नहीं थी जो आज आधुनिक विज्ञान में उपलब्ध है। तो इस बात की पूरी संभावना है उनसे त्रुटियां हो सकती हैं और वही त्रुटियां हमें धर्म ग्रंथों में दिखाई दे रही हैं। तो इससे ये भी प्रमाणित होता है कि ये धर्म ग्रंथ इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, ये कोई ईश्वर खुदा या गॉड के शब्द नहीं है, क्योंकि ईश्वर जब है ही नहीं तो उसके शब्द कैसे आ सकते हैं। ये दुनिया कोई ईश्वर की मर्जी या उसकी इच्छा से नहीं चल रही है, या इसे कोई ईश्वर नहीं चला रहा है, बल्कि यह प्रकृति के नियमों से चल रही है। बुद्ध के विचारों में भी हमें यही बात देखने को मिलती है। जहां पर बाकी धर्म इस जगत के उदय को बढ़ा चढ़ाकर काल्पनिक रूपों में पेश किया है, वहीं पर बुद्ध ने मौन रहना उचित समझा, क्योंकि बुद्ध जानते थे जो बात कही जा रही है उसके लिए प्रमाण नहीं है, ये केवल शब्द प्रमाण है, और जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो तब तक किसी भी चीज को स्वीकार करना सही नहीं होता है। और यही सबसे बड़ा कारण बना कि बुद्ध ने इन प्रश्नों पर मौन रहकर इस आज के विज्ञान के उत्तर को स्वीकार कर लिया था। यहां पर एक बड़ी विशिष्ट बात आती है कि इन प्रश्नों के संदर्भ में बुद्ध का मौन रहना भी एक बड़ी ही विशेष घटनाक्रम था कि आखिर मौन रहकर उन्होंने इस उत्तर को बुद्ध विचारों में, इस आधुनिक विज्ञान के धरती की उम्र को बुद्ध विचारों में जगह दी, वहीं पर अन्य धर्म दुनिया भर के काल्पनिक उत्तर देकर आज अपने ही धर्म ग्रंथ की शब्दों के जाल में विज्ञान के द्वारा फंस चुके हैं। धन्यवाद।